नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। नीमच कृषि उपज मंडी जो है आज 3 दिन के अवकाश के बाद खुली है और जिस तरह उम्मीद थी वैसा आवक नहीं देखी गई है। हम इस समय लहसुन मंडी में मौजूद हैं और लहसुन मंडी में जो आवक है वो तकरीबन 10,000-11,000 बोरी के करीब देखी जाएगी। आप देख सकते हो कि कैंपस जो पूरा है वो खाली पड़ा है। कुछ एक किसान की नीलामी हो चुकी है, कुछ एक ढेर की लाइन बाकी है, वो अभी नीलाम होना है, लेकिन जो आवक है वो इस बार इस सीज़न की मुझे लगता है काफ़ी कम देखी जा रही है। दूसरी, भाव की बात करें तो भाव आज भी सामान्य है। पिछले 2 सप्ताह से जो भाव बने हुए हैं वही बने हुए हैं। ऊटी की बात करें तो 15.5-16 तक मतलब ये भाव अधिकतम गए, बेस्ट वाले। और नीचे की बात करें तो वही 6,000 के करीब। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो देसी का 10.5-11 तक बेस्ट जा रहा है और नीचे की बात करें तो वही 4-5 तक आ रहा है। रही बात अभी जो नीलामी की, तो एक नीलामी का ढेर हमारे पास दिख रहा है और किसान भी हैं, उनसे ही जानेंगे। अकेलाज जी, क्या कहाँ से आए हो? ओंडवा गांव से, जिला कोटा। कोटा से आए हैं। कोटा में भी मंडी थी तो वहाँ यहाँ वहाँ से कुछ यहाँ मतलब भाव में ठीक अच्छा मिलता है। अच्छा, पहले बेचने आए थे कि अभी पहली बार ही आ रहे हो? पहली बार आए। तो जो भाव मिला आपका, क्या भाव मिला लहसुन का? 8,000 के भाव। बताओ कौन सी लहसुन है, थोड़ा सा दिखा दो हमको ढेर अच्छा उठा के। ये देख लीजिए, ये इस तरह की लहसुन है जो 8,001 रुपये गए हैं। कुल मिला के जो भाव गए उससे किसान भी संतुष्ट है। अब एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि आगामी 29 तारीख से जो है फिर से मंडी में अवकाश रहेगा। 4 दिन का अवकाश है, जो फाइनेंशियल ईयर चेंज ख़त्म हो रहा है तो उसके चलते ये जो अवकाश है ये रहेगा 29, 30, 31 और 1 तक। तो इस दौरान जो किसान भाई है वो मंडी में नहीं आएंगे क्योंकि नीलामी नहीं होगी। व्यापारी जो लोग हैं उनका अपना फाइनेंशियल एरियर का कामकाज निपटाएंगे। और जो नीमच कृषि उपज मंडी है में है, जो नीमच ज़िले के साथ साथ आप हमेशा से ही देखते आए होंगे कि बाहर के किसान ज़्यादा आते हैं, मतलब 200-250, कुछ किसान तो ऐसे हैं जो 400-500 किलोमीटर से दूर अपनी उपज लेके आते हैं। उसका मुख्य कारण यही होता है कि यहाँ जो दाम मिलते हैं किसानों को काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसा कि अभी कोटा से आए किसान भाई ने भी बताया कि वहाँ की बनिस्पत यहाँ उनको काफ़ी अच्छा दाम मिला, जबकि कन्वेंस चार्ज अलग लगता है। ये किसान भाई कहाँ से आए भैया? यहीं क्यों? अच्छा, तो माल देख रहे हो आप? हाँ। अच्छा, मुझे लगा किसान भाई है। किसान नहीं है। किसान नहीं है। क्या क्या लग रहा है मार्केट अभी आपको? मार्केट और तेज हो जाएगा। तेज हो जाएगा, कब तक तेज हो जाएगा? ये 15 अप्रैल के आसपास। अप्रैल के आसपास, जैसा कि हम भी पूर्व पहले बता चुके हैं कि अप्रैल में आते आते जो दाम है काफ़ी अच्छे मिलेंगे लहसुन के। फिलहाल ये है कि अब की स्थिति ये बन रही है कि किसान भी अपना माल रोकने लगा है और कुछ जो किसान है वो खुद भी स्टॉक करने लगे हैं। जो बड़े किसान हैं उनको लग रहा है कि जिन्होंने 40 लाख का माल बेचा तो 20 लाख के उन्होंने स्टॉक कर लिया, 20 लाख अपने घर में रख लिए हैं। तो और भी इस तरह के वीडियो के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद।